Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده سبحان الله وحده وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا سبحان الله سبحان الله وشفاء صدورنا سبحان الله وہ غوثنا وہ معیننا وہ قطبنا وہ فریدنا وہ نظامنا وہ سراجنا وہ غلانا وہ اشرفنا سبحان اللہ سبحان اللہ وہ نور عیننا سبحان اللہ وہ مختارنا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وزوجه وذريته وأهل بيته وعلماء أمته وأولياء ملته وشهداء محبته أجمعين سبحان اللہ سبحان اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم سبحان اللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وسلم كما تحب وترضى بان تصلي عليه تقریر سے پہلے میں اپنے رب کی بارگاہ بے کس پناہ میں سبحان اللہ شکرانہ پیش کرنا چاہتا ہوں سبحان اللہ کیا بات ہر بوڑھے آدمی کو یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ جس مشن کو میں بڑھا رہا ہوں میرے بعد کیا ہوگا میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا خطیب ذیشان علامہ امین القادری کا خطاب کا کچھ حصہ سنا سبحان اللہ اے ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور جس محبت کا جام آپ کو پلا رہے تھے شراب محبت سبحان اللہ شراب محبت پلاتے جا رہے تھے آپ پیتے جا رہے تھے مگر نہ کوئی سبحان اللہ اے زندہ باد زندہ باد سبحان اللہ جیسا نام ہے امین سنیت کی امانت کی حفاظت میں لگے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جب تک ایسے علماء ہماری جماعت میں ہیں ہمیں کوئی تحفظ ناموس رسالت کے لیے جمع نہیں ہونا کیا بات ہے تحفظ ناموس رسالت کی گارنٹی ایسے ہی علماء حق کی وجود سے ہے سبحان اللہ آئے ہے سبحان اللہ یہ امین القادری امانت بھی بانٹ رہا تھا
और गौसे आजम का फैजान भी बता रहा था। सुभान अल्लाह। पहले सोचा अब मैं अगर कल भी मर जाऊं तो मेरे घर का नुकसान होगा, सुन्नियत का नुकसान नहीं होगा। अल्लाह आपको सलामत रखे। बड़ा इत्मीनान हो जाता है क्योंकि मैं अपने को मनवाने तो कभी निकला नहीं। क्या बात है, अपने को मनवाता तो आज कहाँ होता। मैं तो सुन्नियों को सुन्नियत बताने निकलता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे वालिद बुजुर्गवार हुजूर मुहद्दिस आज़म ने एक मौके पे फरमाया था, कोई कादरियों का पीर है, कोई चिश्तियों का पीर है, कोई नक्शबंदियों का पीर है, कोई सुहरवर्दियों का पीर है, फिरदौसियों का पीर है, कोई तैफूरियों का पीर है, कोई अशरफियों का पीर है, कोई रिजवियों का पीर है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुन्नियों का पीर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाजी मिल्लत, सुभान अल्लाह सुभान। तो हमारी पैदाइशी ज़हनियत यह है कि सुन्नियत पहले अशरफियत बाद में। हाँ हाँ क्या बात, सुन्नियत पहले रिजवियत बाद में। क्या बात, और जब सुन्नियत ही पर कोई बोलता हुआ मिलता है तो ऐसा लगता है कि अमीनुल कादरी नहीं बोल रहा है, सुन्नियत की आवाज बोला। सुभान अल्लाह जिंदाबाद सुभान अल्लाह अल्लाह अकबर। आप माइक रख दीजिए, ये बिला वजह सुभान अल्लाह करते हैं, एक सुभान अल्लाह कहीं और ये हजारों सुभान अल्लाह। जब तकरीर शुरू होगी तब आप लोग नारा शुरू करेंगे। अभी तो मैं इजहार तशक्कुर कर रहा हूँ अपने रब की बारगाह में, मौला ताला इनके इल्म में उम्र में बरकत अता फरमाए और इसी तरह दीन और सुन्नियत का काम करते रहे। मैं बगैर समझाए आगे नहीं बढ़ूंगा कि सुन्नियत पहले है अशरफियत बाद में, सुन्नियत पहले है कादरियत बाद में, सुन्नियत पहले है चिश्तियत बाद में। इसको समझाए बगैर बढ़ूंगा नहीं, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी यह है कि मैं गौसे आज़म का बेटा हूँ, गरीब नवाज का गुलाम हूँ, मुझे तो दोनों तरफ से समझाने की जिम्मेदारी है। ये तो हो सकता है कि कोई सुन्नी हो कादरी चिश्ती ना हो, पक्का सुन्नी है, सहीउल अकीदा सुन्नी है, मगर कादरी चिश्ती सुहरवर्दी अशरफी रिजवी बरकाती नहीं है। ऐसा हो सकता है, हो सकता नहीं ऐसा आए, लेकिन ये हो नहीं सकता कि किसी में सुन्नियत ना हो कादरी हो जाए, सुन्नियत ना हो चिश्ती हो जाए। तो चिश्ती सुन्नी है लेकिन हर सुन्नी चिश्ती नहीं है। लिहाजा उलमाए कराम से हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा, स्टेज पर सुन्नियत की बात करो, तुम शख्सियत की बात ना करो, तुम सुन्नियत फैलाते जाओगे सुन्नियत शख्सियत बनाती जाएगी। और आसान कर दू, मान लो कि सर में जो बाल है आपके वो सुन्नियत है, बाल अगर सुन्नियत है तो जो बीच में मांग निकाली जाती है पंजाबी में चीर कहते हैं, वो हुस्न को बढ़ा देती है। उसकी जीनत है, उसकी जेबाइश है, उसकी ब्यूटी है, बाल बाल है, उसमें बीच में मांग निकाल लो तो उसकी ब्यूटी है, वो तो सुन्नियत सुन्नियत है, कादरियत चिश्तियत उसकी ब्यूटी है, उसकी खूबसूरती है। तो ये तो हो सकता है किसी के सर पर बाल हो मांग ना हो,
मांगना निकाले, मुरीद ना बने। लेकिन ये हो ही नहीं सकता कि सर पे बाल ना हो, मांग निकल आए। तो सुन्नियत को मजबूती से कायम रखना हर फर्ज से अहम फर्ज है। और मेरे इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं वो सब मेरी किताबों से जाहिर है। तो रब तबारक तआला तेरा बेपनाह एहसान है मिल्लत इस्लामिया पर कि ऐसे मुकर्रर, ऐसे खतीब, ऐसा दिल से बोलने वाले आज भी हमारी जमात में मौजूद है। अब आइए आयत करीमा पर। ये मुहक्किक अल इत्तलाक सैयदना अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, तो तर्जुमा जब ये हमद इलाही है तो क्या तर्जुमा होगा, ये तारीफ अल्लाह की है तो क्या तर्जुमा होगा। अल्लाह वही अव्वल है, हुवल अव्वल, वही आखिर है, वही जाहिर है, वही बातिन है, क्योंकि हमद इलाही है। एक बार बताओ, अल्लाह ही अव्वल है, अल्लाह ही आखिर है, कैसे मनवाऊं, कैसे समझाऊं? क्योंकि आजकल लोग लॉजिकल रीजनिंग चाहते हैं। क्योंकि जो अव्वल होगा वो आखिर कैसे होगा? हुजूर मुहद्दिस आजम हिंद के बड़े बेटे, अव्वल बेटे का नाम सैयद मोहम्मद अशरफ है और आखिरी बेटे का नाम सैयद मोहम्मद हाशमी है और मुझसे बड़े का नाम सैयद मोहम्मद मदनी है। और ये अजीब इत्तेफाक है कि हम लोग 12 भाई बहन हैं, कौन हमको 12 से अलग कर पाएगा? हमारे वजूद में 12 है, 12 भाई बहन है। और 10 भाई बहन का वैसाल हो गया, 11वें में मदनी मियां है, 12वां मैं हूं। नारे तकबीर अल्लाह, नारे रिसालत रसूलुल्लाह, गजारी अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर ये कानून तब होता हम दो हमारे दो तो ये 11 वाला 12 वाला पैदा ही नहीं होता। लेकिन जब 11वीं वाले को 11 रखना है, जब 12वीं वाले को 12 जमा के रखना है, तो मदनी हाशमी को तो आना है। पर ये तो सच है कि हाशमी अव्वल नहीं हो सकता, वो हामिद अशरफ आखिर नहीं हो सकते। एक ही जात जब अव्वल होगी तो सिर्फ अव्वल होगी, आखिर कैसे? और कोई जात लास्ट है तो फर्स्ट कैसे? ये 5 उंगली है ना, ये अव्वल है, ये आखिर है। अब ये अव्वल, ये आखिर, तो ये अव्वल कैसे होगी? ये आखिर है तो अव्वल कैसे होगी? अव्वल तो आखिर हो ही नहीं सकता। भाई मेरे, जब 5 होंगे तब अव्वल अव्वल है, आखिर आखिर है। जब 5 उंगलियां होंगी तब एक ही हो तब। अल्लाह क्या बात है, क्या बात है। ये 4 उंगलियां है नहीं, सिर्फ ओनली 1, तो यही अव्वल। क्या बात, क्या बात, क्या बात है। सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, क्या बात। अच्छा, ये जो है बोलते हैं प्रेजेंट,
हाजिर हाल ये बीच में है, माजी और मुस्तकबिल के बीच में हाल है। क्या मतलब? पास्ट एंड फ्यूचर के बीच में प्रेजेंट, द प्रेजेंट बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर। तो है कौन? जिसका पास्ट हो फ्यूचर हो तब है, क्या बात है, और जो था ही नहीं रहेगा ही नहीं वो है कहां? अपने बारे में सोच, ये दुनिया पहले थी क्या हमेशा रहेगी? तो फिर है कहां? सोच, तू पहले था आगे रहेगा तो फिर है कहां? है कहां? तो है वही जो हमेशा से था हमेशा रहेगा, वही है, उसी को अल्लाह कहते हैं। तो तू ही तू है, तेरे सवा कोई नहीं। मगर हमारे लिए डिमांड क्या है? जा अपनी हैसियत देख, इतने ही मान ले कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। एनफ फॉर जनरल पीपुल, एनफ। तो बोला इस्लाम ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। इंटर इंटू इस्लाम, इस्लाम में आने के लिए पहाड़ों में नहीं जाना पड़ता। बीवी को छोड़कर बाहर नहीं निकलना पड़ता। इस्लाम वेरी इजी एंड वेरी नेचुरल, लॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल। इस्लाम में दाखिल होने के लिए जानवरों को मां नहीं कहना पड़ता। इस्लाम में आने के लिए पत्थरों के आगे नहीं झुकना पड़ता। जब तक इस्लाम में नहीं आओगे, उन्हीं को कह रहा हूं, और मैं चैलेंज तुमको इसलिए कर रहा हूं, तुम ललकारोगे तो ललकार सुनना पड़ेगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। इस गरीब सुन्नियों को मत देखो, हमारी ताकती को ना देखो। अब भी अली का घराना जिंदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अकबर। या अली, या अली, या अली, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इस्लाम झूठ बोलना नहीं सिखाता, बल्कि अल्लाह की लानत है झूठों पर, लानतुल्लाह अल-काज़िबीन। जो बाप है उसे बाप कहो, झूठ मत बोलो किसी दूसरे को वालिद कह के। जो तेरी वालदा है उसी को वालदा कहे, उसी को माँ, झूठ मत बोल, वरना तेरा झूठ खुल जाएगा। असली अम्मा में और नकली अम्मा में फर्क है, और दोनों को अम्मा कहोगे तो झूठे हो, और ये झूठ पकड़ा जाएगा, क्योंकि जो असली अम्मा है बच्चे उसका दूध पीते हैं, अम्मा का दूध बेचते नहीं। है, 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 है,
अल्लाह क्या बात है। अम्मा का कारोबार क्या बात है, बहुत 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 सुभान क्या बात हाँ पूरी हौसला निकाल लो क्या बात। वो इरशाद रब्बानी है, ला तुशरिकु बिही शयन वबिल वालिदैन एहसाना। डोंट मेक पार्टनर ऑफ अल्लाह एंड बी गुड फॉर पेरेंट्स। ला शरीक का मैटर चल रहा है, बयान हो रहा है जिसका कोई शरीक नहीं। ला तुशरिकु बिही शयन, और उसी में माँ बाप का भी जिक्र है मिला करके। वजह साफ है कि अल्लाह की तरह दूसरा अल्लाह नहीं, क्या बात, वालिद की तरह कोई दूसरा बाप नहीं, वालदा की तरह कोई माँ नहीं, ना अल्लाह की तरह अल्लाह है, ना वालिद की तरह वालिद है, ना माँ की तरह माँ है। तो डोंट मेक पार्टनर ऑफ वालिद, डोंट मेक पार्टनर ऑफ अम्मा। सगी खाला को तो हम अम्मा कहते नहीं, जानवरों को कहेंगे। क्या बात है, है, है। तो क्या है, कुछ नहीं। मैं बोला ना ये दुनिया नहीं है, ये पिंडाल नहीं है, ये माइक नहीं है, ये हाशमी नहीं है, ये लामा अमीनुल कादरी भी नहीं है, आप लोग भी नहीं है, मजाक उड़ाएंगे मेरा ना। मैं तो क्या बात है, क्या बात है। अब सूफियाए कराम की आरिफाना बातों को आवाम में लाना बड़ी जुरत की बात है, कर रहा हूँ, मगर जो अहल होगा इंशाल्लाह मोती लेके जाएगा। सुभान अल्लाह, क्या बात, सुभान। हे अल्लाह जब तू ही तू है, हे अल्लाह जब तेरे सिवा कोई नहीं है, हे अल्लाह ये कैसे, कौन मानेगा इसको। आप तो अभी कह रहे हो ला माबूदा इल्लल्लाह, अभी तो आप यही हो, रुके हुए हो, अल्लाह से कोई माबूद नहीं। तो इससे क्या बच गए आप, आपने खुदा बनाना छोड़ दिया। अरे समझा करो यार, जब आपने कहा अल्लाह ही माबूद है तो अब आपने खुदा बनाना अच्छे से अच्छा पत्थर मिलेगा उसे खुद काट छांट कर तराश खराश के खुदा नहीं बनाऊंगा, जिस जानवर से डर जाऊंगा उसको खुदा नहीं बोलूंगा, जिस सांप से खतरा महसूस करूंगा उसको खुदा नहीं बोलूंगा, और जिस जानवर से फायदा उठाऊंगा उसको भी खुदा नहीं बोलूंगा। तो मेरा अकीदा क्या हुआ, आम लोगों का अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। लेकिन यार बताओ, सुबह सोचे अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, दोपहर में अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, रात में भी सोचे अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, तो फिर अल्लाह के सिवा तो टारगेट भी कोई नहीं है ना, आपका निशाना भी कोई और नहीं है, आपका मरकज तवज्जो भी कोई नहीं है। जब अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है तो अल्लाह के सिवा कोई मकसूद नहीं है, ला मकसूदा इल्लल्लाह, एक दर्जा बुलंद हुए आप। आम सतह पर था ला माबूदा इल्लल्लाह, ला माबूदा इल्लल्लाह, और जब ये अंदर गया, असर दिखाया, दिल बदला, तो दिल बोला ला मकसूदा इल्लल्लाह, ला मकसूदा इल्लल्लाह, ला मकसूदा इल्लल्लाह, मेरा कोई और कसद नहीं सिवाय अल्लाह के, मेरा कोई मकसूद नहीं सिवाय अल्लाह के।
अब जब ये रंग चढ़ेगा एक हफ्ता दस दिन एक महीना दो महीने बाद, अल्लाह के सिवा कोई मकसूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई मकसूद नहीं, दिन रात अल्लाह के सिवा कोई मकसूद नहीं, सुबह शाम अल्लाह के सिवा मेरा कोई मकसूद नहीं, अल्लाह के सिवा मेरा कोई मकसूद नहीं, तो फिर आप कहेंगे कि मेरे को तो अल्लाह के सिवा कोई दिखता ही नहीं। अरे ये फेसबुक वाला लव तो टेम्पोरेरी है, उसका नाम ही है चैटिंग और हकीकत में है चीटिंग। अरे मोहब्बत वो थी जो कैश को लैला से थी, लैला के अलावा कुछ दिखता ही नहीं, क्योंकि तुम फिल्मी मोहब्बतें करते हो इसलिए मोहब्बत की हकीकत ना जान पाए। मोहब्बत चाहे मजाजी हो मगर असली हो, पागल बना दे, भूख ले ले, नींद खत्म, क्योंकि महबूब के अलावा कोई सुझता ही नहीं, ये मंजिल आएगी। ला मकसूद इल्लल्लाह, ला मकसूद अल्लाह के सिवा कोई मेरा मकसूद नहीं, कोई मेरा मकसूद नहीं, तो फिर अल्लाह के अलावा मेरे को दिखता ही नहीं। जब ये मंजिल आ गई कि अल्लाह के सिवा कोई दिखता नहीं, तो बोल पड़ा दिल ला मशहूदा इल्लल्लाह, मेरा कोई मशहूद ही नहीं है, मैं किसी और को देख ही नहीं पा रहा हूं। ला मशहूदा इल्लल्लाह, ला मशहूदा इल्लल्लाह। और एक साल दो साल तक जब ये कैफियत तारी रहेगी कि अल्लाह के सिवा कोई दिखता नहीं, सामने से गुजर जाए दिखता नहीं, इश्क में दीवाना बन गया कोई दिखता नहीं, अल्लाह के सिवा कोई दिखता नहीं, अल्लाह के सिवा कोई दिखता नहीं, तो मंजिल ऊपर जाएगी और दिल बोला अल्लाह के सिवा कोई मौजूद नहीं, ना मौजूद इल्लल्लाह। यार ये सब जो दिखता है ये क्या है? साहबी रसूल अल्लाह उन पर अनवार और तजल्लियात की बारिश करे, पूछ करके कितना आसान कर दिया हमारे लिए, या रसूल अल्लाह ये जो दुनिया है ये क्या है? मेरे आका ने सिर्फ एक लफ्ज में जवाब दिया, वो एक ऐसे अजीम शान लीडर थे कि जरूरत से ज्यादा बोलते ही नहीं थे। आजकल के लीडर तो जरूरत पर बोलते ही नहीं, एक लफ्ज में वो बात कही। अगर मैं भी कह दूंगा तो तकरीर में टाइम कैसे लगेगा, मैं फैला के कहूंगा। हम अपनी जिंदगी में दो किस्म के ख्वाब देखते हैं, टू काइंड्स ऑफ ड्रीम। पहला ड्रीम जो होता है कभी किसी का 10 मिनट का होता है, किसी का आधा घंटे का होता है, किसी का 1 घंटे का होता है, कोई रात भर देखता है। ड्रीम है कि उस पर टैक्स थोड़ी है, ड्रीम वायरस नहीं है कि इंजेक्शन लगवाओ डबल डोज का। क्या देखा ख्वाब में? पहला ख्वाब, पहला किस्म, सीधी पेट में लेटा हुआ है, सो गया, सपना देख रहा है, मैं हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हूँ, टैक्सी से उतर रहा हूँ, पुलिस वाले ने आईडी मांगा, आईडी दे रहा हूँ, काउंटर पर जा कर के बोर्डिंग कार्ड लिया, सिक्योरिटी से गुजरा और जा कर के गेट के सामने बैठा हूँ, फ्लाइट पे बैठा हूँ, फ्लाइट ने टेक ऑफ किया,
और जा करके वो बम्बई एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। सारा लगेज लिया, बाहर आया, टैक्सी किया, टैक्सी वाले से चलो मोहम्मद अली रोड। इसीलिए तो बम्बई कितना मारो पीटो बच जाती है, क्योंकि उसमें मोहम्मद भी है और अली भी है। अब वो आया तो उसकी मुलाकात आपके नकीब इजलास इदीस अशरफी से हुई। पहचानते थे दोनों, अरे सिद्धी में नमक खा के गए थे। क्या बात है, क्या बात है। तो कुछ तो ख्याल रखते हैं, अरे यार कैसे आना हुआ। वो मैं अपने काम से आया हूँ, मेरे रिश्तेदार हैं मोहम्मद अली रोड पर, और पहले चलो चाय पीते हैं। ये होटल में ले गए, उसको चाय पिलाया। फिर वो टैक्सी पे बैठा, अपने रिश्तेदार के यहाँ गया। इस पूरे ख्वाब के दौरान पूरा यकीन है कि मैं हैदराबाद एयरपोर्ट पे हूं, शक नहीं, मैं बंबई एयरपोर्ट उतरा, यकीन। वहां पे मोहम्मद इदरीस अशरफी से मुलाकात हुई, यकीन, चाय पिया होटल में, पूरा यकीन, और फिर रिश्तेदार के यहां गए। मगर ये यकीन कितना झूठा है ये तब पता चला जब आंख खुल गई। क्या बात, अरे हम तो सीधी पेट में हैं, वो हैदराबाद झूठ, जहाज झूठ, फ्लाइट झूठ, बम्बई झूठ, रोड झूठ, इदरीस भाई से मिले वो झूठ, रिश्तेदार के यहाँ गए झूठ। सच तब जाहिर हुआ जब आंख खुल गई। आंख खुलने के बाद मानता है कि ना हैदराबाद गया था, ना मैं बंबई गया था, ना इदरीस से मिला था, ना चाय पिया था, ना रिश्तेदार से मिला था, जब आंख खुल गई। ये सपना आधा घंटा एक घंटा, ये ख्वाब दो चार घंटे का होता है। एक दूसरा ख्वाब है, जरा लंबा है, 90 बरस जब तक जिंदा है ये ख्वाब देखता है। मैं हूं, मैं मुफ्ती हूं, मैं मौलाना हूं, मैं अल्लामा हूं, मैं करोड़पति हूं, मैं लखपति हूं। यहां तो एक ही पत्नी ने जो पति बनाया रोते रहे, ये लखपति कैसे संभालता होगा। मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं आर्टिस्ट हूं, मैं MLA हूं, MP हूं, मैं मुसलमान हूं, मेरे इतने बच्चे हैं, ये मेरी बीवी है, ये मेरा होटल है, ये मेरा कारोबार है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी 3 बेटी है, 4 बेटे हैं, माँ बाप हैं, मेरे माँ बाप, मेरी बहन, मेरा भाई, मेरा चाचा, मेरा ताया, मेरा मेरा कहते कहते 90 साल। ये मेरा पोता, ये मेरा नवासा, ये मेरी पोती पोते, 90 साल कहता रहा, मानता रहा, यकीन था। ये मेरा दोस्त है, ये मेरा यार है, 90 साल तक यकीन था। मगर ये यकीन तब झूठा साबित हुआ जब आंख बंद हो गई। पहला ख्वाब आंख खुलने से सच्चाई मालूम होती है, इस ख्वाब में आंख बंद होने से सच्चाई मालूम होती है। जब कंधे पर उसे उठाया गया तो वो आंखें बंद होने के बाद मान गया, न मेरी दुनिया है, न मेरा मेरी कोई फर्ज है, न प्रॉपर्टी है, न मेरा बैंक बैलेंस है, न मेरा होटल है, न मेरी ये बहन है, न मेरा भाई है, न दोस्त है, न यार है, न ताया है, न चाचा है। इस सच्चाई को उसने कब माना, जब उसे कब्र में लेटा दिया गया।
ना माँ जा रही है, ना बाप जा रहा है, ना भाई जा रहा है, ना कोई जा रहा है, तब उसने माना कि 90 साल तक मैं सिर्फ ख्वाब देखता रहा। तो मेरे रसूल ने लफ्ज यही फरमाया था, दुनिया ख्वाब है। लेकिन ख्वाब बुरा ना हो, ख्वाब अच्छा हो, इसके लिए अल्लाह ने नबियों का नूरानी सिलसिला भेजा। ख्वाब भी तो बुरे होते हैं। तो हमारी ये 70 साल 80 साल 90 साल की जिंदगी का ख्वाब, सदाकत वाले हुए तो ख्वाब अच्छा है, अदालत वाले हुए तो ख्वाब अच्छा है, सखावत वाले हुए तो ख्वाब अच्छा है, शुजात वाले हुए तो ख्वाब अच्छा है, नमरूदियों की तरह हुए तो ख्वाब बुरा है, फिरौनियों की तरह हुए तो ख्वाब बुरा है, यजीदियों की तरह तो ख्वाब बुरा। अरे सुन्नी बनकर जिए, सुन्नी बनकर मरे, ख्वाब अच्छा है। ये तो मुख्तसर सी वजाहत है कि आयत करीमा हमदे इलाही हो तो और अगर ये नाते रसूल है तो अब तर्जुमा होगा वो यानी नबी अव्वल हैं, वही आखिर हैं, वही जाहिर हैं, वही बातिन हैं। हुवल अव्वल वल आखिर वल जाहिर वल बातिन, हुवल अव्वल। हाँ, तखलीक में अव्वल तो है, खुद फरमाया अव्वल मा खलक अल्लाह नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने जो मेरा जो बनाया, सबसे पहले जो मेरा नूर है, तो सबसे पहले क्या बना? नूर। सबसे पहले जमीन से पहले, जमा से पहले, मकी से पहले, मकान से पहले, यहां से पहले, वहां से पहले, काबा से पहले, हरम से पहले, जिब्रील से पहले, मीकाइल से पहले, इसराफील से पहले, आदम से पहले, नूह से पहले, इब्राहिम से पहले, अब्द मुनाफ से पहले, हाशिम से पहले, अब्दुल मुत्तलिब से पहले, अब्दुल्ला से पहले, अव्वलो, सबसे पहले अल्लाह ने मेरा नूर बनाया। यहां पर मैं जो बात कहने जा रहा हूं उसका ताल्लुक बशरियत से नहीं है, वजूद से है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ह्यूमन स्ट्रक्चर, आई एम टॉकिंग अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ नूर, वजूद सबसे पहले, बाबा दादा से पहले, अंबिया मुरसलीन से पहले, मलाइका से पहले, जन्नत से पहले, हूद से पहले, गिलमत से पहले, सलसबील से पहले, कौसर से पहले, अरे हम है, आप हैं। हमारे यहां की चौथा शरीफ में बेटा बाद में होता है, बाप पहले, इधर क्या चलता है? हमारे यहां दरबार शरीफ में पोता बाद में होता है, दादा पहले, यही तो तेलंगाना में है ना, यही आंध्रा में है, यही इंडिया में है, मां से पहले कोई होता है? तो जो आपसे पहले हैं उन्हें मां क्यों कहते हो? आप बाद में आए, वो पहले है। तो आप बताइए, ये पूरी दुनिया का सिस्टम यही है ना, बेटा बाद में, बाप पहले, पोता बाद में, दादा पहले। हम हैं, तुम हो, 7 बिलियन पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन इन इंटायर वर्ल्ड, सब बाद में,
अब्बा पहले, पोता बाद में, दादा पहले, पर पोता बाद में, पर दादा पहले, और एक मेरे नबी का नूर है जो अपने बाप से पहले, अपने दादा से पहले, अपने परदादा से पहले, आबा व अजदाद से पहले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इदरीस साहब एक बात फ्रेंकली बताएंगे, टू बी वेरी फ्रेंक, मैंने यहां तो नहीं देखा लेकिन एक जगह मैंने देखा था, आप अनाउंस कर रहे थे और लोग नोट दे रहे थे आपको, हुआ है ऐसा ना? कई बार हुआ। मौलाना शरफुद्दीन को सोचना चाहिए। हाँ, वरंगल में तुझे आपने रखा कहा? मतलब ये कि रखने के लिए जगह चाहिए, और जब नबी का नूर हर जगह से पहले तो रखा कहां? कहा हाशमी सुन, ये मेरा नूर है। अल्लाह अकबर, ये मेरा नूर है, ये जगह का मुहताज नहीं। कैच करो, ये जगह का मुहताज नहीं, जगह इस नूर की मुहताज है। नहीं समझे? अरे मैंने इस नूर को सबसे पहले, अर्श से पहले, फर्श से पहले, धरती से पहले, गगन से पहले, आकाश से पहले, पाताल से पहले, जिब्रील से पहले, मीकाईल से पहले, इसराफील से पहले, जन्नत से पहले, खुल्द से पहले, गुलमा से पहले, हूरों से पहले, मलाइका से पहले, हर एक से पहले, हर जगह से पहले इसलिए बनाया, मैं बनाऊं। काहे को जगह ढूंढता है? अरे वो तेरी इंडियन नोट है जिसको रखने के लिए जगह चाहिए, ये मेरा नूर है, जगह मत देख, बनाने वाला तो है। मैं रुकूंगा, जितना बोल सकता हूं उतना ही बोलूंगा, मुझे अपनी हद मालूम है, आप अपनी समझ की हद बढ़ाइए। क्या बात है, बनाने वाला तो है, इसको मैंने जगह के लिए कब बनाया जो जगह में रखूं? अपने लिए बनाया है, कुर्बे खास में रखा। अरे अरे सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, बनाया, बनाकर कुर्ब खास में रखा। अगर ये कुर्ब खास भी भारी पड़ रहा हो तो और आसान कर दूं, बनाया, बना के अपने पास में रखा, अपने करीब रखा। ए नूर मैंने तुझे बनाया, देखिए कैच कीजिए, मोहब्बत की बात है ये। ए नूर मैंने तुझे बनाया, बनाकर अपने करीब रखा कि मैं तुम्हें देखूं तो मुझे देखो, मैं तुम्हें देखूं तो मुझे देखो, देखो। यही तो मोहब्बत है, मैं तुम्हें देखूं तो मुझे देखो, इसी में मेरी रजा है, मैं तुम्हें देखूं तो मुझे देखो, यही मेरी मर्जी है, मैं तुम्हें देखूं तो मुझे देखो, मैं तुम्हें देखता रहूं तुम मुझे देखते रहो। क्लाइमेक्स, एक जुमला आ गया, बढ़ा के बोल देता हूं, जाया ना होने पाए। ए रसूल, तुम्हारे नूर को मैंने सबसे पहले इसलिए बनाया कि जैसा मैं देखूं कोई और देख ले ना पाए। क्या बात है, और इसका दूसरा जुमला, ए नूर तू भी मुझे जैसा देखे कोई और देख ले ना पाए। तो हो वल अव्वल, मेरे नबी का नूर अव्वल। अब आइए नबी, तुम तो नबी हो, वाज़मो बैनल माए वस्तीन,
भाई तो उस वक्त नबी था, जब आदम मिट्टी और पानी के दरमियान थे, आबोगिल के मरहले तय कर रहे थे। ही वॉज बिटवीन वाटर एंड सोइल, आई वॉज प्रॉफिट आदम से पहले। अभी आदम अलैहिस्सलाम की तखलीक कंप्लीट नहीं हुई, आई वॉज प्रॉफिट। अभी आदम के जिस्म में रूह नहीं गई, आई वॉज प्रॉफिट। अभी आदम को ताजे खिलाफत नहीं पहनाया गया, आई वॉज प्रॉफिट। जो कुछ बाद में आदम के साथ अल्लाह ने किया, आई वॉज प्रॉफिट। आदम जन्नत में गए, आई वॉज प्रॉफिट। फिर धरती पे लाए गए, आई वॉज प्रॉफिट। तो आदम से पहले नबी, आदम से तो आई वॉज प्रॉफिट बिफोर आदम, मैं आदम से पहले नबी। पक्का श्योर डन कर दूं कि आदम से पहले नबी। अब एक बात बताओ, दुनिया का पहला आदमी कौन? आदम अलैहिस्सलाम। पहले आदमी वही है ना, उनसे पहले कोई आदमी नहीं। और जितने आदमी हैं किसकी औलाद है? आदम अलैहिस्सलाम की। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैनिस बुद्धिस्ट कम्युनिस्ट सोशलिस्ट अपॉर्चुनिस्ट किसकी औलाद? अबे औलाद लायक होती है तो क्या नालायक नहीं होती? और जो ये कहे मैं आदमी नहीं हूं, कैसे होगा? आदम की औलाद कौन है? तो सबके बाबा दादा कौन है? आदम। इंसानों का पहला घर कौन सा है? आदम। फर्स्ट हाउस ऑफ मैन आदम। परिवार का मुखिया आदम। जिस्मानी खुसूसियत के साथ नबी बनकर धरती पर आने वाले आदम। आदम से पहले कोई आदमी नहीं। तो सब बाद में जो औलादें पैदा हुई उनका बाबा दादा कौन है? आदम। सलफ आदम, पूर्वज आदम। तो अगर कुछ भारत के सरफिरे लोग कहते हैं मुसलमानों तुम्हारा पूर्वज फला था, उनको पूछो उसका पूर्वज कौन था। अगर भारत की धरती पर जन्म लेने वाले हमारे पूर्वज हैं तो उनका पूर्वज कौन? फिर कोई और नाम ले, उसका पूर्वज कौन? कहे मनु, उसका पूर्वज कौन? सनातन, उसका पूर्वज कौन? आदम। और आदम के घर की पहचान क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। आदम के घर में क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। तो जहां जहां ला इलाहा इल्लल्लाह का यकीन है वो आदम के घर में है। समझो यार, जहां ला इलाहा इल्लल्लाह है, तौहीद का अकीदा है, वो आदम के घर में है। चाहे अफ्रीका में रहे, यूरोप में रहे, इंडिया में रहे, बांग्लादेश में रहे, अगर ला इलाहा इल्लल्लाह को मानता है तो आदम के घर में है। और जो ला इलाहा इल्लल्लाह को छोड़कर बुत परस्ती करने लगे वो घर से बाहर निकल गए, तो घर वापसी उनकी होनी चाहिए। घर छोड़ के तुम निकलो, वापस हम हूं।
हम तो गरीब हैं। आदम अलैहिस्सलाम पहला बशर, पहला इंसान कौन? आदम अलैहिस्सलाम कहोगे तो एक नबी के नाम लेने का सवाब तो मिलता है ना। पहला बशर, पहला आदमी, पहला इंसान, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदम से पहले नबी। तो जो आदम से पहले वो आदमियत से पहले, जो आदम से पहले बशरियत से पहले, जो आदम से पहले इंसानियत से पहले, और जो इंसानियत से पहले होगा उस वक्त इंसान कैसे होगा? जो बशरियत से पहले होगा उस वक्त बशर कैसे होगा? जो आदमियत से पहले होगा उस वक्त आदमी कैसे होगा? नबी है आदमी नहीं है, नबी है मगर वो बशर नहीं है। इससे साबित हुआ कि हुक्मे नबूवत के लिए, तवज्जो, हुक्मे नबूवत के लिए बशरियत जरूरी नहीं, ऐलान नबूवत के लिए बशरियत जरूरी है। ये मौलाना अकेले नारा लगा कर, जज्बा है, अकीदे की गर्मी है, ईमान की हरारत है। इसलिए मौलाना शरफुद्दीन एक सुन्नी मुसलमान बनकर के जोश में आके नारा लगाते, सही है, लेकिन भाई स्टेज से नारा ना लगाओ। पूछो क्यों? कहीं कोई शक न करे फिक्सिंग है क्या? मानता हूं तो चाहे मौलाना शरफुद्दीन हो या जहां नकीब जलास हो या अल्लामा अमीनुल कादरी हो, कोई सुन्नी मुसलमान या हमारे अकबर भाई हो, नारा लगाते हैं, इनमें जज्बा है। लेकिन क्या स्टेज पर चुने हुए चंद लोगों को ही ये जज्बा है? ये मजमे में हजारों बहुत माजरत के साथ ये जो हजारों लोग यहां आए हैं, नारा लगाने का जन्म सिद्ध अधिकार इनका है, पैदाइशी हक है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए आया, तुम हमारे लिए आए। आप जरा गौर फरमाए, अव्वल अव्वल वजूद में अव्वल और आदम से पहले नबी, आदम से पहले नबी, फिर वही आखिर है। हाँ, कुरान कहता वलाकिर रसूल अल्लाह व खातमुन नबीयीन, लेकिन अल्लाह के रसूल है एंड लास्ट फाइनल प्रॉफिट। अब जो अव्वल होता है वो आखिर हो जाए, फिर वही जाहिर हो जाए, वही कहीं बातिन हो जाए। क्या अशिमियां समझा रहे हैं आप? ये तो नेचर के खिलाफ है, ये तो नेचर के खिलाफ है, साइंस के खिलाफ, लॉजिक के खिलाफ है, और सबसे बड़ी बात यह है कि नेचर के खिलाफ है, फितरत के खिलाफ। अगर तेरी फितरत ही सही ना रह जाए
तो तू फितरत को क्या जानेगा? फितरत 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 बोल रहा है, कुदरत 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 नहीं बोलेगा। हमारे गांव में एक साहब को सऊदी अरबिया का वीजा मिल गया, हार फूल पहनाया गया, उन्हें बड़ी मोहब्बत से रुख्सत किया। तो एक साहब उसी वक्त एक आम लेके आए थे, आम। कहने लगे, आप जा रहे हो पता नहीं कब आओगे, ये आम खाते जाओ। ये आम कैसा है? ये बनारस का लंगड़ा है। अबे समझा करो, बनारस का लंगड़ा है, इसमें बना रस है, बनाना नहीं पड़ता, बना हुआ रस है, बना बनाया रस है, इसीलिए बनारस है। कितने लोग बाहर से गए पीने के लिए बनारस का लंगड़ा। आम की एक किस्म है, मैं किसी आदमी को नहीं कह रहा हूं, मैं तो लंगड़ों को कह रहा हूं, आम किस्म के लंगड़े, खास लंगड़ा नहीं। और वो बैठी है, उसके उस पार एक राजा थे, उनका बाग था रामनगर, वहां भी लगा हुआ है राम नगर, और उसका लंगड़ा बहुत तगड़ा, बाई से झगड़ा। अब वो ने सोचा, चलो भैया हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन लंगड़ा आम मिला है, धोया, धो करके दबाया, चारों तरफ से दबाया तब पाया। ओ जब चारों तरफ से दबाओगे तब हक पाओगे। दबाया घुलाया और फिर उसका मुंह खोला, थोड़ा सा दबा करके जो एक्स्ट्रा था उसे निकाला, तब जाके मुंह लगाया। यानी एक्स्ट्रा के साथ मुंह ना लगाया करो, अगर इशारे समझोगे तो तकदीर की लकीरें समझ में आने लगेंगी। चूसते गए, मस्ती बढ़ती गई। आम का जायका हलक से उतर कर पेट में जा रहा है, उसका असर आंखों से दिखाई दे रहा है। खुमार आलूद आंखें, वो नशीली आंखें। आम में उतना नशा नहीं था जितना आंखों में आ गया था। जब सारा रस चूस लिया तो नीचे से दबाया, ये भी देखा करो किसकी बुनियाद कहाँ है, नीचे से भी दबाया करो। फाउंडेशन पे नजर रखो, ये किस बुनियाद पर अकड़ रहा है। नीचे से दबाया, गुठली बाहर। बड़े खुश हुए, कहने लगे, बेटा कुदाल लेके आ, क्यों मेरे को गड्ढा करना। गड्ढा किया और गड्ढे में डाल दिया। कहाँ डालना चाहिए? परेशान नहीं होना चाहिए, गड्ढे में डाल देना चाहिए। शिकायत ना करो, गड्ढे में डाला, मिट्टी डाली, खाद, थोड़ा बहुत फर्टिलाइजर, पानी, चले गए सऊदी अरब।
उसको पेड़ बड़ा हुआ, पौधे से वो झाड़ हुआ और मुकम्मल दरख्त हुआ, शाखें फूल। 12 साल के बाद जब वो लौट करके आए, हैदराबाद एयरपोर्ट पे उतरे, निकले, एक टैक्सी ने उनको उड़ा दिया। शिफा खाने में गए तो एक टांग काटी। 3-4 महीने के बाद अस्पताल से एक टांग की मदद से घर पहुंचे। उस वक्त आम की फसल थी, सैकड़ों आम लटक रहे थे। 12 साल तक सऊदी अरबिया में आम नसीब नहीं हुआ, वहां आम लोगों के लिए कुछ नहीं है, सब खास के लिए। क्या बात है, बहुत आए गौर से देखा, लंगड़े ने लंगड़ों को देखा, आम में उतना रस नहीं था जितना इस हाजी के मुंह में पानी था, ललचाई नजरों से। तो बेटे से बोला, बेटा ये वही दरख्त है जो मैं लगा के गया था? हाँ अब्बा, आप जो लगा के गए थे वही है, इस पर मेरा एहसान है, ये मेरा एहसान है, मैंने न लगाया होता ये पेड़ ना होता, मेरा एहसान है। तब तक बेटा हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, बाबा सारा आम खा जाओ, हम खुश हैं तुम मेरे बाप हो, एहसान तो बोलो मत, तुम तो गुठली को गड्ढे में डालकर चले गए, एहसान मेरा है, मैं पानी देता रहा, मैं ख्याल रखा, मैंने इसे गाय बैल भैंस से न बचाया होता तो खा जाते। ए पौधो, गाय बैल से बचो, ये पौधों को खा जाते हैं। बेटा बोला, एहसान मेरा है। तब तक सूरज बोला, चुप, बड़ा एहसान जताने वाला। अरे जब मैं निकलता हूं तो इस दरख्त से ऑक्सीजन बाहर होती है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं, ये इनका रिस्पिरेशन ऑफ ट्रीज, ये पेड़ों का सांस लेना, और जब मैं डूब जाता हूं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, तो ये इनका सांस लेना मेरी वजह से है। सूरज बोला, मैं ना होता तो ये सांस ना ले पाते, एहसान मेरा है। और बॉटनी के स्टूडेंट्स को मालूम है कि पेड़ों में जो हरियाली है वो सूरज की किरणों से ही उसमें क्लोरोफिल पैदा होता है, तो इसकी हरियाली सूरज की देन। सूरज बोला, मेरा एहसान। तब तक हवा बोली, खामोश, बड़ा एहसान जताने वाला। अरे जब ये छोटा सा पौधा था, इसे जिंदगी का और इसमें नुमू का अंदाजा नहीं था, छोटा सा पौधा था, तो मैं नसीमे सहरी बनकर अपनी आगोश मोहब्बत में लेकर झूला झूलाया, तो इसे जिंदगी का शऊर मिला, नुमू मिली, प्रोग्रेस मिली, और ये पेड़ बढ़ता चला गया। तब तक जमीन बोली, शट अप, बड़ा एहसान ये, सूरज एहसान जता रहा है, हवा एहसान जता रही, मिट्टी एहसान जता रही है, शट अप। अगर मैंने इसकी जड़ों में इसकी गिज़ा न दिया होता तो तू क्या कर लेता लाइट मार के?
जब तक वो दरख्त हिला। ए अल्लाह मेरे को जड़ से उखाड़ दे, इतना एहसान नहीं। हंसते हंसते इस मिसाल से आपने क्या समझा? ये एहसान जताने वाले पहले हैं पेड़ बाद में, तो बाद वाले पर पहले वालों का एहसान लद जाता है। क्या बात, माँ बाप पहले बेटा बाद में, बड़ा भाई पहले छोटा भाई बाद में, तो ये पहले वाले बाद वाले पर एहसान जता रहे हैं, क्योंकि पेड़ बाद में, मिट्टी पहले, पेड़ बाद में पानी पहले है, पेड़ बाद में हवा पहले है, पेड़ बाद में सूरज पहले है, पेड़ बाद में है मौसम पहले, पेड़ बाद में है खाद पहले, तो ये पहले वाले एहसान जता रहे हैं। ए रसूल मैंने तुम्हारे नूर को सबसे पहले इसलिए बनाया ताकि कोई अपना एहसान न जताए। कायनात से पहले मैंने तुम्हारे नूर को बनाया कि जमीन अपना एहसान न जताए, आसमान अपना एहसान न जताए, सूरज अपना एहसान न जताए, चांद अपना एहसान न जताए, मिट्टी अपना एहसान न जताए, समंदर अपना एहसान न जताए, पहाड़ अपना एहसान न जता पाए, अरे जन्नत भी अपना एहसान न जता पाए, बहिश भी अपना एहसान न जता पाए। मेरे महबूब कायनात की किसी का एहसान तुम पर नहीं, तुम्हारे नूर का एहसान पूरी कायनात पर है। इशारा मत करो, अब जब ये मिसाल समझ में आई, अब अब्बा से बातें मुकम्मल हो गई। उनका बेटा एक आम तोड़, वो गया पेड़ पे चढ़ा, एक आम तोड़ कर आया जो पका हुआ था। अब्बा ने उस आम को धोया, दबाया, निचोड़ा, मुंह खोला, मुंह लगाया, दबा के चूसा, वाह सुभान अल्लाह। जब सारा रस चूस लिया और आदतन नीचे से दबा के रस निकाला गुठली बार, चक्कर में पड़ गए, अरे ये गुठली अव्वल, यही आखिर। जमीन के अंदर में डाल के गया और फिर वो गुठली मेरे जीते जी, बाहर तो जो गुठली मैंने डाली वो अव्वल है और अब जो निकाली वो आखिर है। तो जब कुठली जमीन में थी, छुपी थी, बातिन खफा कवर्ड, बातिन गुठली को जमीन में डाल दिया, मिट्टी डाल दिया, खाद डाल दिया, पानी डाल दिया, अब कोई देखेगा नहीं। अब कब दिखेगा? जब वो पेड़ होगा उसमें शाखें होंगी, टहनियां होंगी, पत्तियां होंगी, फूल होगा, फल होगा, फिर फल में वो दिखेगा, और जब फल हो जाएगा तो वहां जाहिर। वही गुठली अव्वल है, वही आखिर है, वही जमीन में बातिन है, और वही फल से जाहिर है। अब तो मानो कि नेचर के मुताबिक है। अब हमसे ये मत पूछो
कि हाजी साहब जो गुठली जमीन में गाड़ के गए, डाल के गए, वो गुठली किन टहनियों से, किन शाखों से, किन पत्तियों से, किन फूलों से, किस फल से आखिर में जाहिर हुई। ऐसे ही हमसे मत पूछो कि वो नूरे मोहम्मदी जो अव्वल है किन पत्तियों से, किन शाखों से, किन फूलों से, किन नबियों से, किन मर्दों से, किन औरतों से, किसके बाकी पाक बातिन से, किसकी पाक पीठ से होता हुआ आमेना के घर में जलवा घर हुआ। तो जब अल्लाह ने नूर को बनाया तो हो अलो, और नबूवत का ताज पहना करके भेजा हो अल आखिर हो। और जब तक पुश्तहाए मुबारका में रहा, अरहामे तैयबा में रहा, पाक बापों पाक माओं से होता हुआ चला, तब तक बातिन रहा। और 12 रबीउल अव्वल की सुबह सादिक को वो नूर जाहिर हुआ। हो वल अव्वल हो वल आखिर हो वल जाहिर वल बातिन। तो ये नाते नबी भी है। हमने लंगड़े पर वक्त दे दिया और हम ये बता ना पाए कि बीज वो गुठली कैसे 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 आखिर में आई। यहां भी हम नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन हमें यहां कुछ पता चला कि आदम अलैहिस्सलाम के लिए जब हुक्म हुआ फरिश्तों को सजदा, फरिश्तों को हुक्म हुआ सजदा करो, तो ये कब हुआ? जब हजरत आदम में रूह डाली गई उसके बाद। ये तुमको पता है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की रूह को हजरत आदम के जिस्म में जब डाला गया तो बाहर आ गई और अल्लाह से कहने लगी, ए अल्लाह, ये रूह आदम है जो जिसमें आदम के बारे में बोल रही है, किसी को उस दूसरे को बोलने का हक नहीं है। आदम की रूह ने अल्लाह से कहा, अल्लाह ताला, अंदर बहुत अंधेरा है, जुल्मत है, डार्कनेस है, हाउ कैन आई लीव देयर, उस अंधेरे में कैसे रहूं जब मैं रू आदम की रू बोली। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, रुको, अब नूर मोहम्मदी को दाखिल किया। जैसे ही वो नूर आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में गया, तब अल्लाह ने रू से कहा, अच्छा अब जा, अब जाओ। अब जब रू गई तो निकलने का नाम ही नहीं ले रही। यहां ठहर कर एक अकीदे की बात सुनो। अल्लाह ताला ने आदम के जिस्म में पहली बार रूह डाला, नबी की रूह नबी के जिस्म में निकाला, किसने? खुद रूह निकल पड़ी। एक नबी की रूह कितना बाइख्तियार है, जब चाहे जाए जब चाहे आए। तो नबियों में रूह के आने और जाने से फर्क नहीं पड़ता। तो जब आदम में फर्क नहीं पड़ता तो रसूल आजम में कैसे फर्क पड़ेगा? क्या भैया वक्त ज्यादा हो गया? साउंड थोड़ा कम करा। अच्छा, तो ऐसा कि साउंड कम कराएं, आजमी मियां को बेदम कराएं। तो कुल मिलाकर के बात यही है कि मेरा नबी अव्वल है, वही आखिर है,
वही जाहिर है, वही बातिन है। अब अगली आयत समझाने के लिए मैं सबसे आखिर में यहाँ आया स्टेज पर। मुझे नहीं मालूम कि पहले कौन आया जलसे में, अल्लामा अमीनुल कादरी साहब आप भी, लोग आ गए होंगे तब आप आए, आपको भी नहीं मालूम पहले कौन आया, आप भी देर में आए थे, कुछ लोग आ चुके थे। लेकिन जो स्टेज लगा रहा था, सबसे पहले स्टेज पर आया देखने के लिए कि सब इंतज़ाम सही है कि नहीं, फर्स्ट माइन जो यहाँ आया होगा उसके सामने सब आ रहे हैं, वो सब जानता है कितने लोग कब आए। ये बीच में आने वाले और आखिर में आने वाले नहीं जानते, तो जो पहले वाला है उसके इल्म को भी नहीं जानते। ये जितने मौलवियान बेफैजान हुजूर को इतना इल्म था उतना इल्म था उतना इल्म, अरे तू तो बहुत बाद में गया। सबसे पहले तो अल्लाह ने रसूल के नूर को बनाया, उस नूर के सामने धरती बन रही है, उस नूर के सामने आकाश बन रहा है, उस नूर के सामने जन्नत बन रही है, उस नूर के सामने फरिश्ते बन रहे, उस नूर के सामने जिन्नात बन रहे, उस नूर के सामने जर्रा जर्रा कतरा कतरा सहरा सहरा चमन चमन गुलशन गुलशन मकान ला मकान सब उसके सामने बन रहा है, उसी के सामने नबीयीन सिद्दीकीन शोदा सालेहीन, उसी के सामने धरती गगन, उसी के सामने फर्श आर्श। तो जब नबी का नूर अव्वल है तो अब धरती पे जो आ रहा है इल्मे रसूल में आ रहा है। तो अगर ऐसे को पूरी कायनात का इल्म हो तो कौन सी हैरत की बात है। तो उसी के लिए कहा गया अलीम, जब तमाम शय उसके सामने ही बनाई गई तो वो उस शय का अलीम है, जानने वाला है, अलीम गायब है। मैं दुआ करता हूं कि मौला ताला आप लोगों को दीन का तसल्लु बता फरमाए, नो कंप्रोमाइज इन रिलीजियन, कोई अकीदे का समझौता किसी से नहीं, और हमें नजरिया फैलाना है, पैगाम फैलाना है, नाम नहीं, अपना नाम नहीं फैलाना है, ना अपने बाप का नाम फैलाना है, रसूल का पैगाम फैलाना है। मेरी पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। वाखरो दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।